नशे की हालत में तीन दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त के सिर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने महज 4 घंटों में ही घटना का खुलासा कर दिया। शनिवार को बुढ़ाना गेट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का दजला शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इसके बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने में जुट जाती है और पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा महज 4 घंटों में ही कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम अशरफ है और उसके दो दोस्त बिलाल उम्र 14 वर्ष, शांतनु उम्र 16 साल ने शुक्रवार को नशे की हालत में विवाद होने पर अशरफ के सर पर हमला करके हत्या कर दी थी। पहचान छिपाने के लिए हथियारों ने शव को नशीला पदार्थ डालकर जलाने की भी कोशिश की थी, जिसमें वह कामयाब नहीं हो सके। और अब पुलिस दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास तलाश कर रही है। जो तीनों दोस्त हमेशा साथ रहा करते थे, एक की जान चली गई है और दो जेल में जिंदगी गुजारेंगे। नशे के चलते दोस्त की जान ले ली, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि नशा कुछ भी करा सकता है। अब हत्या की वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल कारण नशा ही नजर आ रहा है। सर, थाना क्षेत्र कोतवाली में एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी मिली, क्या मामला सर? कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ाना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक खाली प्लाट में एक युवक की डेड बॉडी जली हुई अवस्था मिली। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तमाम जगहों की जो जांच की गई, जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर 4 घंटे के अंदर ही अनावरण करते हुए जो दो अभियुक्त इसमें शामिल थे, बिलाल और शांतनु नाम के, उनकी गिरफ्तारी की गई। तीसरा जो मृतक है अशरफ, वो इनका साथी था। रात के 1 बजे नशे की हालत में इनका आपस में विवाद हुआ, उसी में खाली प्लाट में ले जाकर बिलाल और शांतनु ने अशरफ के सिर पर प्रहार किया और फिर वहीं नशीला पदार्थ डाल के उस पर जलाने का काम इनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी घटना को कारित करना कबूल किया है। इस प्रकार 4 घंटे के अंदर ही घटना का अनावरण कर लिया। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।